नमस्कार, आप देख रहे हैं एच एन लाइव बिहार की खबरों में। आज सबसे पहली खबर आ रही है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। अगली खबर आ रही है रोहतास से, जहां लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि पूरे बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। युवाओं को मजबूरन रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई लंबी मुलाकात पर चिराग पासवान ने तोड़ी है चुप्पी और कहा है जल्द बनेगा बिहार में नया समीकरण। सुनिए क्या कुछ कहा है पासवान ने। इतिहास को टटोल के देखा, जो नेता अगर किसी दल को एक बार धोखा दे दे वो 10 बार भी दे दे, या कोई अपने सिद्धांतों पे टिका रहा तो वो हमेशा टिका रहेगा। मुख्यमंत्री जी एक बार एनडीए से अलग हुए, दूसरी बार भी हो गए तो ताज्जुब किसी को हुआ नहीं ना, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। पर अगर मुझे मुख्यमंत्री जी का ही समर्थन करना तो मैं 2020 में भी कर सकता था, मैं 22 में भी, मैं फॉर दैट मैटर 2014 में भी कर सकता था। 2014 में जब हम लोग यूपीए से अलग हुए थे तो उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था, मेरे नेता के पास विकल्प था कि हम लोग भाजपा के साथ जाते या नीतीश जी के साथ जाते, क्योंकि उस वक्त भी मुख्यमंत्री एनडीए से अलग हो चुके थे, तो उस वक्त भी हम लोगों ने इनका चुनाव नहीं किया, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के साथ जाना संभव है। की तारीख में बदलाव चाह रहे हैं और खासतौर पर तब जब बिहार में दो ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन हुआ जिन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ही ये अलायंस किया। मैंने मन से भी ये कहा था कि अलायंस कोई बिहार की जनता के हित में किया गया अलायंस नहीं है, ये तो भैया इसलिए किया है क्योंकि मुख्यमंत्री को डर था कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः उनका मुख्यमंत्री पद ले सकती है, अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है, इस डर से वो उस तरफ गए। और दूसरी तरफ राजद को डर था कि भैया बहुत समय से हम लोग सत्ता से बाहर है, ये मौका है हम लोग सत्ता में। आज वही दो लोग एक दूसरे के सामने आए जिन्होंने पानी पी पी कर एक दूसरे को पूछ, विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ऐसे दल और ऐसे दल के नेताओं। मुख्यमंत्री जी जब बार बार कहते थे जंगल राज, भाई किसने ये शब्द दिया, इन्होंने ही तो दिया, यही बोलते थे महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को कि भाई जंगल राज। हम लोग जब पूछते थे कि भाई बिहार के विकास में आप क्या किए हैं तो छूटते जवाब मिलता था कि जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था, तो भैया उसी 15 साल पहले के बिहार से तो आपने गठबंधन कर लिया। और यही राष्ट्रीय जनता दल जो नो एंट्री का बोर्ड लगाते थे, इनके नेता बोलते थे एफिडेविट लिखवा दीजिए हम नहीं जाएं, अगर हम जाएंगे तो हम भी पलटू कहलाएंगे, पर आज तो आप भी चले गए। तो ये महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन है, ऐसे में बिहार यकीनन एक विकल्प की ओर देख रहा है, एक विकल्प की तलाश, और ऐसे में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक मजबूत विकल्प के तौर पर आज की तारीख में बिहार की जनता के समक्ष आ रहा, और बिहार की जनता पूरे विश्वास से अपना समर्थन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को दे रही है। और उदाहरण के तौर पर आज के दृश्य, आज की सभा की एक का जनसभा वो भी आप सबके सामने है। मैं इतना मैं जरूर बोलूंगा कि से या पार्टी के कार्यक्रम आप पार्टी के तमाम नेताओं को देखेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, हमारे पार्टी के तमाम और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी हों, आए दिन अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में हम लोगों का कार्यक्रम होता रहता है। चुनाव की तैयारी भी है ये साथ, और ये लोकसभा चुनाव की तैयारी ही नहीं है, विधानसभा की भी तैयारी। मैं ये मानकर चलता हूँ कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे, संभवतः लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। मैं नहीं मानता कि तय समय पर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उससे बहुत पहले। उसके कई कारण हैं, बिहार में बढ़ रही अराजकता, एक आपराधिक माहौल जिस तरीके से प्रदेश में उत्पन्न हो गया, बगल में आप जाके देखिए, हम लोग अभी जाएंगे सब